जमीन हमारी आपकी अपना हक अपना हक अपना हक किसान एकता किसान एकता संघ शरण प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद एकता संघ का एक भी कार्यकर्ता पर अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आज आपकी छाती पर बैठे हैं, कल हम आपकी कुर्सी पर आकर बैठेंगे। हम कह देना चाहते हैं या तो आप अपनी आदतों से बाहर आ जाओ, अन्यथा हम लेकर बेरोजगारी को लेकर 64% की लड़ाई को लेकर हमारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नोएडा प्राधिकरण ही सब समस्या का समाधान कर सकता है। और अपनी वाणी को मैं इसी के साथ विराम करता हूँ। चलो भैया विकेज ने बैठा हो, बैठो यार, नीचे ओम बिरला यादव, तुम बाहर है, बाहर आ जाओ, सब बाहर जो अंदर आ जाओ, बैठो। मैं किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी, आज हम लेके बैठे हैं अपने किसानों की मांगे। 64.7% जो सालों से ये बहका रहे हैं, आबादी निस्तारण, शहरीकरण में क्षेत्र हमारा कर दिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है पूरे उसमें मीडिया बंधु आप सब लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये शहरीकरण है या गांवकरण है। भाई गांव में 4 गुना मुआवजा देने की घोषणा हुई थी, लेकिन इन्होंने आनन फानन में शहरीकरण कर दिया। चलो शहरीकरण कर दिया, 2 गुना मुआवजा भी कर दिया। उसके बाद में जब हमारे यहाँ एयरपोर्ट की स्थापना होने की बात हुई, तो ग्रामीणकरण में कभी भी आप किसी को दूसरी जगह स्थापित नहीं कर सकते जब शहरीकरण होता है, ये तो ये लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में फिर ग्रामीणकरण कर दिया शहरीकरण को, और गांव के लोगों को उठाकर विस्थापित कर दिया। भैया यू कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये अथॉरिटी हमारे साथ में मजाक कर रही है, ये सरकार मजाक कर रही है। इस बार हम अपनी मांगों को लेके बैठे हैं कि भैया हमें आबादी निस्तारण चाहिए, 64.7 का मुआवजा चाहिए, और लेकर ही जाएंगे। नहीं तो हम जब तक यहीं बैठेंगे, चाहे उसमें एक दिन लगे, एक महीना लगे, एक साल लगे, जब कृषि कानून वापस करवा सकते हैं उन काले कानूनों ने, तो हम जान देने को भी तैयार हैं, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी मांगे हैं भाई, हमारे यहाँ जो आबादी निस्तारण है वो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ हर साल 10% महंगाई भत्ता बढ़ता था, वो इन्होंने सालों से बंद किया हुआ है। और 64.7% जो ये 80% लोगों को दे चुके हैं, और 20% किसानों का इन्होंने रोका हुआ है, वो जल्द से जल्द दिया जाए। और भी हमारे क्षेत्र की बहुत सारी मांगे जो चल रही हैं, उन्हें लेके हम यहाँ बैठे हैं। बेरोजगारी को लेकर 64% की लड़ाई को लेकर हमारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको नोएडा प्राधिकरण ही सब समस्या का समाधान कर सकता है। और अपनी वाणी को मैं इसी के साथ विराम करता हूँ। अभी तो हमारे साथी हैं जो प्रमुख हैं गांवों से, इसके बाद में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हम यमुना प्राधिकरण पे करने जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के आह्वान पर अब मैं अगले वक्ता के रूप में, जमीन हमारी आपकी अपना हक अपना हक अपना हक किसान एकता किसान एकता संघ शरण प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद एकता संघ का एक भी कार्यकर्ता पर अधिकारी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आज आपकी छाती पर बैठे हैं, कल हम आपकी कुर्सी पर आकर बैठेंगे। हम कह देना चाहते हैं या तो आप अपनी आदतों से बाहर आ जाओ, अन्यथा हम हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं 64 की है, आबादी की है, डेवलपमेंट चार्ज की है कि डेवलपमेंट चार्ज इतना के किसानों से दे नहीं पाएगा, और बहुत सी मूलभूत गांव का विकास है, बहुत समस्या उन्हें लेके आज हमारे क्षेत्र के लोग हमारे किसान भाई यहां एकत्रित हुए हैं। अभी कई इससे पहले कभी आज तक यहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, मगर हमारी मीटिंगें लगातार होती रही हैं, और ये लोग हमें हमेशा बरगलाने का काम कर रहे हैं, आज तक कोई इनने समाधान नहीं किया है। हमारी योजना ये है कि हम आज या तो ये हमें सकारात्मक बात बताएं, हमारा समाधान करें, वरना हम यहीं रहेंगे या जेल जाएंगे, यहीं बैठेंगे। आप यहाँ धरना प्रदर्शन
कब तक जारी रखेंगे? ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक चलेगा या तो ये जेल भेज दे सब पकड़ के सबको, वरना हम यहीं बैठेंगे जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक चलेगा। एक वक्ता बुलवाते हैं जी, हारमोनियम वाले जो बुला रहे हैं, एक मिनट में एक वक्ता बोलेगा, इतने काम चल रहा। संगठन की हमेशा हर कड़ी पर खरा उतरने वाले भाई सतीश कनासी जी को अमित शाह साहब, इस्माइल जी, सल्लन पहलवान जी, सागर पहलवान जी, यामीन मुखिया जी, बिल्लू जी, सोनू त्यागी जी, शाहरुख त्यागी जी, वसीम त्यागी जी, सोहेल खान जी, देखो प्रमुख लोग लेके आए हैं साथियों को, ये पर्ची हमारी बीच में घूम रही है, इन पर्चियों में जमीन हमारी आपकी, अपना हक देंगे, अपना हक देंगे, अपना हक देंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता संघ जिंदाबाद, सोलन प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन अधिकारियों को सुनाने का काम करेंगे। हमारे बीच में भाई राकेश चौधरी जी जो दादरी के अध्यक्ष हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। बहन गीता भाटेरी से निवेदन है कि अपने साथ जो और आज यहाँ पर हम आपके पास ले आए हैं कि भैया तो आप हमारी बातों को तरीका से सुन ले, अन्यथा हमको तरीका भी आता है, तरीका भी अपनाएंगे और हम यहीं बैठेंगे, यहीं पर हम अपना अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। रुपए 50 पर मीटर सीधर से उन किसानों को जो आप 7% प्लॉट देने का काम कर रहे हैं, उनसे 3200 रुपए कह दे देना दे, 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 ले रहे हैं। हम कह रहे हैं आप चाहते हैं आप हमें 3200 रुपए प्रति हमारी आपकी अपना हक देंगे, अपना हक देंगे, किसान एकता संघ सोलन प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चाचा बाली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज जो क्षेत्र के किसान है जो यमुना प्राधिकरण से पीड़ित है, लगभग 80% किसानों को 64% मुआवजा दे दिया गया है, 20% किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है। आबादी निस्तारण, युवाओं को रोजगार, जो हमारे यहाँ पर कंपनी है, फैक्ट्री है, उन फैक्ट्रियों में हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं है। वो उनमें बोर्ड लगा दिए गए कि भाई 200 किलोमीटर के दूर के लिए यहाँ के युवाओं को ये रोजगार नहीं है। आज हमने यहाँ पर अपनी मां पंचायत की है और हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। लगभग ये सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, लगभग 30 गांवों के किसान है यहाँ पर। आज जो हजारों की संख्या में किसान पहुँचे हैं, युवा साथी पहुँचे हैं, मातृशक्ति पहुँचे और हजारों ट्रैक्टर पहुँचे हैं।